आज आप जहां खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। आपके तन पे जो चमाचम शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। फिर भी आप उनके प्रति मौन हैं, तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। अंग्रेजों ने किसी के बारे में सही कहा था कि इन लोगों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट है, और जिनके बारे में राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है वो जवाब यहाँ है। फिर से पढ़ के सुनाते हैं कि द लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे। ये 1919 में भारत शासन अधिनियम लेकर आए, जिसके जरिए इन्होंने ब्राह्मणों के जज बनने पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र और निष्पक्षता का भाव नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे पोस्टर हैं, हम एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते हैं। हम पटना के नदौल के मतौड़ा गांव में आए हुए, यहां पर श्रद्धांजलि सभा है, और इस श्रद्धांजलि सभा में नगीना पासवान, उनके पिताजी का निधन हो गया, और उनके पिताजी के निधन के बाद किसी का सिर मुंडन नहीं हुआ, ना ही किसी ब्राह्मण को बुलाया गया, ना ब्राह्मण भोज हो रहा है, और बहुत सारे इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जो आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ के सुनाएंगे तो आप सोचे होंगे भी नहीं कि इस तरह की बात हुई होगी, या फिर इसके बारे में कभी आपको जानकारी भी नहीं होगी। पहले हम पढ़ के सुनाते हैं, द लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक दिया हुआ है, तक भारत के वायसराय रहे। ये 1919 में भारत शासन अधिनियम लेकर आए, जिसके जरिए इन्होंने ब्राह्मणों के जज बनने पर यह कहकर रोक लगा दी कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र और निष्पक्षता का भाव नहीं होता। आपको एक ट्वीट से इसको कोरिलेट हम कर देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक ट्वीट किया गया था, तारीख है 13 जून 2022, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ट्वीट किया गया था कि अपराधी विकास दुबे की गाड़ी पलटने पर जो आंसू बहा रहे थे वो फातिमा के घर बुलडोजर चलाए जाने पर प्रफुल्लित हैं। अंग्रेजों ने किसी के बारे में सही कहा था कि इन लोगों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट है, और जिनके बारे में राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है वो जवाब यहाँ है। फिर से पढ़ के सुनाते हैं कि द लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे। ये 1919 में भारत शासन अधिनियम लेकर आए, जिसके जरिए इन्होंने ब्राह्मणों के जज बनने पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र और निष्पक्षता का भाव नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे पोस्टर हैं, हम एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते हैं। और ये देखिए, पूजनीय कौन, यहाँ पर सबसे ऊपर है सतयुग। सतयुग में समस्त देवी देवता धरती पर, दलितों को सम्मान नहीं मिला। त्रेता युग में श्री राम धरती पर, दलितों को सम्मान नहीं मिला। और उसके बाद है द्वापर युग में श्री कृष्ण धरती पर, दलितों को सम्मान नहीं मिला। उसके बाद है चौथा कलयुग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धरती पर, दलितों को सम्मान के साथ जीने का हक मिला। जय भीम। एक और पोस्टर है, इसमें लिखा हुआ है 4 दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। हिंदू समाज की एक घिनौनी प्रथा थी। इस प्रथा में जीवित विधवा की पत्नी को मृत पति के साथ चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। हालांकि औरंगजेब ने भी सती प्रथा को बंद किया था। और भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता जो जिंदा रहते हुए मुझे रोटी नहीं दे सकता, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग देगा, स्वामी विवेकानंद। और भी हम आपको दिखाते हैं। द अर्ल ऑफ एल्गिन 1962 से 1963, इन्होंने सन 1963 में चरक पूजा पर रोक लगाई। भवन, पुल, कुआं निर्माण में शूद्रों को जिंदा चिनवा दिया जाता था। ब्राह्मणों ने ऐसी मान्यता बना रखी थी कि भवन, पुल, कुआं आदि की दीवारों में शूद्र को जिंदा चिनवा देने से भवन, पुल, कुआं ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेंगे। इसके अलावे भी और भी हम आपको दिखाते हैं। अगला है नेल्सन मंडेला का, धर्म एक धंधा है क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं। और इस तरह का पोस्टर यहाँ लगा है। उसके अलावा बाबा साहब का लिखा हुआ है यहाँ पर,
कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, और हार गए तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावे है, धर्म सभी कहते रहे ग्रंथ लिख लो मान, बुद्ध कहे नहीं मानना सत्य कसौटी जान, बुद्ध कहे नहीं आस्था प्रज्ञा हो बलवान, शील साथ जो मैत्री समता बनती शान, बन जुगनू जीवन जिए निज बहार उजियार, नहीं कष्ट जीवन कभी मिले उचित व्यवहार। और है, और आपको हम पढ़ के सुनाते हैं, लॉर्ड वेले जली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने सन 1804 के अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक लगाई। लड़कियों को पैदा होते ही गड्ढा में खोद कर उसमें दूध और धतूरा मिलाकर लड़की को डुबाकर मार दिया जाता था। तो अंग्रेज सिर्फ बुरा नहीं किए, बहुत अच्छा कुछ भी किए हमारे देश में। एक सवाल और जवाब है यहाँ पर, देखिए कि प्रश्न है कि जानवर बुद्धिमान है या इंसान, तो उत्तर है पता नहीं। मगर बिल्ली के सामने मिट्टी का चूहा रख दो तो वो शिकार नहीं करेगी, क्योंकि बिल्ली को पता है कि ये चूहा मिट्टी का है। मगर इंसान मिट्टी के मूर्ति के सामने अपनी खुशी की भीख मांगता है, यह विचार सोचने को मजबूर करता है। ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, बाकी आप समझ जाइए। इसके अलावे और भी है, द अर्ल ऑफ मोइरा 1813 से 1823 तक इन्होंने भारत में पहली बार 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाकर प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय व्यवस्था बनाई। इससे पहले न्याय वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अपराध करने पर ब्राह्मण के लिए कोई सजा नहीं थी और शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था। विश्व गुरु भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज आप जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। आपके तन पे जो चमाचम शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। फिर भी आप उनके प्रति मौन हैं, तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। उसके अलावा एक और है, पूरे विश्व में बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कोई उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमत्कार करूँगा। दुख तुमने पैदा किया है और उसको दूर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मैं चला हूँ उस मार्ग पर, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। अपो दीपो भवा। एक और है स्वामी विवेकानंद का, कि मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखे, स्वामी विवेकानंद। और एक और यहाँ पर है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबों से आप जितनी दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे, इस तरह का। और एक छोटी सी कहानी है जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कहानी ये है कि 6 महीने के एक बच्चे की माँ ने 5-स्टार होटल के मैनेजर से पूछा, सर एक कप दूध मिलेगा क्या? मैनेजर ने कहा, हाँ पर 100 रुपये में मिलेगा। महिला ने कहा, ठीक है दे दो। फिर शाम में भूख लगी, कार एक टूटी हुई झोपड़ी वाली चाय की दुकान पर रोकी गई और बच्चे को दूध पिलाकर उसकी भूख को शांत किया गया। दूध के पैसे पूछने पर बूढ़ा दुकानदार मालिक बोला, बेटी हम बच्चे के दूध के पैसे नहीं लेते, अगर रास्ते के लिए भी चाहिए तो अधिक दूध लेती जाओ, गरीब लोग पैसों से नहीं दिल से अमीर होते। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे स्लोगन और बहुत सारे विचार लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो हम आए हैं ये श्रद्धांजलि सभा है, और यहाँ पर ना ब्राह्मण भोज कराया गया, ना सिर मुंडन कराया गया है, ना गीना पासवान के पिताजी का निधन हो गया है, वो रेलवे में थे, 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, और उनके निधन पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके पिताजी का नाम सकल पासवान था, जो कि रेलवे के अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो लंबे समय तक जीवित रहे, विचारों को बढ़ाते रहे। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।